बाद आप लोगों से हो रही है मुलाकात। जी हाँ, हम लोग थे बिजी और आखिर के लिए माफ़ी चाहते हैं। जी हाँ गाइज, हम लोग आ चुके हैं आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम निकल चुके हैं मटर कश्ती पर। हमारे हस्बैंड ने दिया था हमें आकर सरप्राइज़, तो हमने बनाया प्लान कि चले कहीं घूमकर आते हैं। मूड बहुत दिनों से ख़राब चल रहा था, एनजाइटी ये सब चलता रहता है। जिनको होती है वो लोग रिलेट करते हैं, जो लोग इस चीज़ से वो समझ गए होंगे। जी हाँ गाइज, फाइनली हम आ चुके हैं देवराना। गाइज़ यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है और यहाँ आकर सारा ही मूड अच्छा हो गया। जी हाँ गाइज, और आपके साथ जो है कंपनी होती है जिसकी, तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हमारे प्यारे पति देव हमें सरप्राइज़ देने के लिए ले आए थे घुमाने के लिए, तो हम आ चुके हैं देवराना। जी हाँ गाइज, आप लोग भी यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है ये। अंदर का थोड़ा सा व्यू है, क्योंकि हम आए थे यहाँ पर टाइम स्पेंड करने, इसलिए कुछ ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी आपको, लेकिन हाँ जितना हो सकता है। जी हाँ गाइज, हमने मंगाए हैं नूडल्स और मैंने अपने लिए मंगाई है कोल्ड कॉफ़ी। मैं हो रही थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। देखो तो आप सिर्फ एक बंदा सही है जो है राहुल गांधी। सर मेरे हस्बैंड बिल्कुल कंफ्यूज नहीं थे, उनको चाहिए था आलू पराठा और अपनी हमेशा की तरह चाय। जी हाँ गाइस, फैसला उन्हीं का सही था। बाहर निकलने के बाद हमने देखी यार ये बहुत ही बड़ी कुर्सी। जी हाँ गाइस, इसके तो पाई के बराबर ही आ जाती हूँ मैं। यहाँ से हम निकल लिए और यहाँ से निकलते ही हमने देखा फिर बहुत छोटा सा ट्रैक्टर। जी हाँ गाइज, और यहाँ पर चेतक। जी हाँ, चेतक स्कूटर आप सबने अपने पापा दादा अंकल्स के पास देखा ही होगा, ये भी यहाँ पर खड़ा रहता है। जी हाँ गाइज, इसके बाद ये गोल गोल घूम रहे हवा में गुब्बारे थे, जैसे कि मैं आजकल ज़िंदगी में गोल 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 घूम रही हूँ, वैसे ये गुब्बारे घूम रहे थे। गाइज, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ यार शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।